क्योंकि वो शादीशुदा है। भैया 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 मेरे भैया फुटबॉल गई रूली आंटी के घर में, जाके लेके आओ। बिल्कुल नहीं, मरना है क्या? वहां पे दोनों की घमासान लड़ाई हो रही है। तो फुटबॉल का क्या? भूल जा हमेशा के लिए। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं तो भूल गया, वैसे भी फुटबॉल तुम्हारी थी। बुरा पति होने का यही अंजाम होता है। अब तुम्हारी शामत आएगी। शामत कौन है? कौन है? कौन है? आज मेरा मूड बड़ा बैड है, मारे जाओगे। फुटबॉल का है? अबे फुटबॉल चोर, रोली आंटी ने सुरेंद्र अंकल को मार दिया। तो क्या इसमें क्या नई बात है? वो तो रोज ही मारती है सुरेंद्र अंकल को। सनी पूरा खलास मर्डर है? क्या बोल रहे तुम? यार मैंने उनको अभी अभी सुना, रोली आंटी सुरेंद्र अंकल की लाश से बात कर रही थी। ओह देख मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है यार। लाश वाश छोड़ो, तुम फुटबॉल लाए कि नहीं? यार मैं सच बोल रहा हूँ, खून कर दिया। मैं मानता हूँ कि रोली आंटी एक नंबर की खुशत खुंकार सटे हुई पागल पापी बुढ़िया है, लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? वैसे तू क्या सनी बोल रहे? सनी? आपको क्यों लगता है कि मैं सनी बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे घर में ना कॉलर आईडी है। कॉलर आईडी? फिर मैं सनी हूँ। हे! रोली आंटी को डराना इतना आसान नहीं है। यार रोली आंटी खूनी नहीं है भाई। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसका क्या? तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम और तुम हर सीधी बात को उल्टी तरह से बोलते हो। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, तुम्हारी बुद्धि ना थोड़ी मंद है। भैया तुम इस सस्पेंस थ्रिलर टाइप मूवीज देखना कब बंद करोगे? तब तक नहीं जब तक रोली आंटी मेरे शिकंजे में नहीं आती। ये मूवीज देखकर मैं उनकी सारी चालें सीख लूंगा। अच्छा, जैसे तुम क्रेश देखकर उड़ना सीख गए थे। अब तार जी से बहुत जरूरी बात करनी है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, अभी बुलाती हूँ उन्हें। अब मैसेज कर रही हूँ फोन पे। जमाने के साथ चलना चाहिए। वैसे यहाँ पर किसी का कुछ खोया तो नहीं है, जैसे कि फुटबॉल शुटबॉल? हो सकता है। क्या आपने कुछ खोया है रोली आंटी? कुछ खास, कोई अपना? हिमानी इसका क्या मतलब हुआ? कोई आपसे पिटने आए? हाँ अवतार जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज काइंडली कि भाई घर में अगर मरी हुई कोई चीज पड़ी हो तो उसकी बदबू को कैसे निकाला जा सकता है? अरे टीवी का वॉल्यूम कम कर लो। अच्छा तो आपको लगता है कि आपके घर में कहीं कुछ मरा पड़ा है? और लगता है अवतार जी, डेफिनेटली मुझे मालूम है कि मेरे घर में कुछ मरा हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले आपको उस बदबूदार डेड बॉडी को उठा के घर के बाहर फेंकना चाहिए। अच्छा, और ये काम आप सुरेंद्र अंकल को बोल दीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। नहीं सुरेंद्र जी तो आप मेरे किसी काम के नहीं रहे, वैसे भी अब तो वो बहुत दूर जा चुके हैं। I'm the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street.
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। एक नुस्खा है, आप अपने घर में चारों तरफ गजरे लगा दीजिए, सारी बदबू अपने आप चली जाएगी, है ना? गजरे लगा दो, बड़ा उपाय बताया है। थैंकिंग यू। तो अब तो मैं मनबुद्धि नहीं। ये साबित करना पड़ेगा कि रोली आंटी खूनी है, और इसके लिए हमें चाहिए सबूत, और सबूत इकट्ठा करने में हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। अरे ये कहाँ से आया? टीवी तो बंद है। सनी, रास्ता खाली है। ध्यान से सुनना और दोबारा मत पूछना। प्लान ये है कि मैं उतरकर उस पार जाऊंगा और तुम निकी को उस पार फेंकोगे और फिर खुद चढ़ के आ जाओगे। उसके बाद मैं ये गेट खोल के आपके पीछे आ जाऊंगा, है ना? किनकी? कुछ चल रहा है। कहाँ, क्या? वो देख, सोफे के पास कोई बच्चा है। वो कोई बच्चा नहीं, अपनी निक्की है। निक्की कैसे हो सकती है? निक्की तो यहाँ। निकी, पापी बुढ़िया के घर के अंदर। अब क्या करें? रुक, सोचने दे। मदद करने आए थे रोली आंटी। मैंने आपको उन पे चिल्लाते हुए सुना और आपने उन्हें एक बुरा पति कहा, और फिर आपने ये भी कहा कि आपकी शामत आएगी, शामत। हाय मम्मी पापा। अरे ये तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही कमजोर है, इसे किचन में ले जाओ और लस्सी शस्सी पिलाओ, जाओ। ओए, ये तुम दोनों को मिला कहाँ से? रोली आंटी से कूड़े में फेंक रही थी तो ले आए उसे। हाँ, सुरेंद्र अंकल साइंस टीचर थे ना, ये उन्हीं की लैब से। सुरेंद्र अंकल साइंस टीचर नहीं थे, म्यूजिक टीचर थे। म्यूजिक टीचर? हाँ। इसका मतलब